फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लर्निंग एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. हमें कुछ एग्जांपल्स देखने पी अपॉन क्यू के, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. उनके कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी नहीं है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई. देखिए, अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं. चलो मैं एक लेता हूँ, 1/2, 1/5, 1/10, ओके, देन 1/4, 1/8, 1/16, ओके. और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 1/3, 1/7, ओके. चलिए, ये सब एग्जांपल्स मैंने लिए. अब देखिए, इस एग्जांपल्स का आंसर कितना आता है हमारा, 1/2 का होगा 0.5, इसका होगा 0.2, 1/2 का दिया है तो 0.1 दिया है, 1/4 का दिया तो 0.25 दिया है, इसका अगर हम करेंगे तो 0.125 आएगा, ओके. और 1/60 का करेंगे तो 0.0625 होगा, इसका हम करेंगे तो 0.3 बार, ओके. और इसका लास्ट में हमने देखा था 2857, लास्ट के सम्स में 142857, ओके. तो देखिए, इनमें यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे हैं, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन 1, 2, और देखिए इसमें क्या होता है, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, इसके फैक्टर्स बता रहा हूँ, 2 × 2, 2 × 2, ओके. इसका 5 होगा, इसका 2 × 5 होगा, ओके. तो देखिए, यहाँ जब भी हम डिनोमिनेटर में q का जो फॉर्म होगा 2^n एंड 5^m फॉर्म में होगा, तब ये कैसी होंगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा. लेकिन अगर अदर देन फैक्टर ऑफ 2 और 5, ओके, इनके अलावा के कोई भी फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होंगे. तो फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देखिए. द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर P upon Q is terminating. Is terminating if and only if Q has no common factor, no common factor other than 2 और 5, 2 and 5, ओके. यानी Q की वैल्यू जो है ये होनी चाहिए, क्लियर. तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग. राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर non-terminating non-recurring, ओके. चलिए, हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो. तो देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट 0.01, 001,
0001 0001, ये फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड 0.02 0002 0002 0002, दूसरा लेना चाहें तो आप 0.50 5005005000, ओके। क्लियर? तो ये हमारे क्या हुए, 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें बोला गया है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर फाइव अपॉन सेवन एंड नाइन अपॉन इलेवन। ओके, तो देखिए 9/11, क्लियर? हमें जो दो रैशनल नंबर दिए हैं, जो टू रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको बेस बनाकर थ्री रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 5/7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो हम डिवीजन करते हैं 5/7, ठीक है। तो 5/7 में आप डिवीजन करेंगे, कितना आएगा बेटा, नहीं जाएगा, 0.50 हुआ। 7 लिखिए, कितना हो गया, 49। 1 कीजिए, 0 लगाएंगे तो 7 ज़ा 30 7 4 ज़ा 28, फिर से 2 आएगा, 0 कीजिए, 7 2 ज़ा 14। ओके, कितना हुआ, 6 हुआ, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, कितना बचा, 4 बचा। ओके, 0, 7 5 ज़ा 35, फिर से 5 बचा, तो यहाँ से फिर से रिपीट होगा, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 0.714285 बार। ओके, 5/7 हमने फाइंड किया, क्लियर? अब हम 9/11 फाइंड करेंगे। 9/11 फाइंड करेंगे, क्लियर? तो देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 11 8 ज़ा 88, 2 से कीजिए, 0 करेंगे, 11 1 ज़ा 11, फिर से 9 आ गया, फिर से रिपीट होता रहेगा, यानी क्या होगा, 0.81। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/11। ओके, इसका वैल्यू होगा 0.81 बार। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच की इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो 7 1 और 8 1 के मिड में जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर, सबसे पहला इरेशनल नंबर 71 है और 81 है, इनके बीच के कोई भी इरेशनल नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्लियर? तो देखिए फर्स्ट नंबर हम लेंगे 0.7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 4 0, आगे बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ले सकते हैं 0.73 ले सकते हो, 74 ले सकते हो आप, ठीक है, 7 4 0 7 4 0 0 7 4 0 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
ज़ीरो सेवन नाइन डबल ज़ीरो सेवन नाइन ट्रिपल ज़ीरो सेवन नाइन ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके, तो इस तरह से आप इनके बीच की मिड की 71 0.71 और 0.81 के बीच की कोई भी डिजिट को आप इस तरह से लिखेंगे वो किस तरह होगा, इरेशनल नंबर ही होगा फ्रेंड्स।